केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का कथित वीडियो जारी होने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है और एमपी इलेक्शन में इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे हैं कि उनकी सरकार के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की जाँच करने के लिए इनकम टैक्स और ईडी कब मध्य प्रदेश आ रही है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का एक वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए की लेन देन की बात हो रही है। वहीं इस वीडियो को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि काले धन को सफेद बनाने और इसके एवज में कमीशन रखने को लेकर सारी बातचीत की जा रही है। इसी वीडियो को आधार बनाकर राहुल गांधी मध्य प्रदेश के कई जिलों में खुले मन से ये ऐलान कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की राजधानी बन चुका है, यहाँ पर 50% कमीशन वाली सरकार चल रही है। सांसद राहुल गांधी ने यह भी सवाल खड़े किए कि मध्य प्रदेश में 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार होने के बावजूद ईडी और आईटी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने व्यापपम घोटाला, महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया। मध्य प्रदेश के नीमच, हरदा, भोपाल में रोड शो और आम सभा के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनेगी ये दावा किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वायरल हुए वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया के मुताबिक चुनाव के वक्त ये सोची समझी साजिश के तहत वीडियो एडिट करके इसे डर्टी पॉलिटिक्स के जरिए वायरल किया गया है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के हिसाब से कार्रवाई नहीं होगी। मध्य प्रदेश में कानून का राज है। राहुल गांधी ने भोपाल में रोड शो और जनसभा की थी और उन्होंने भोपाल के उत्तर और मध्य विधानसभा सीट पर रोड शो और नरेला विधानसभा सीट पर जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें, राहुल ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सरकार पर निशाना साधा। राहुल भोपाल में रुके भी और आज उनका विदिशा का कार्यक्रम है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में 150 सीट जीतने का दावा किया है और उन्होंने कल ही भोपाल में रोड शो कर जनसभा को संबोधित किया और रोड शो में शाम को 5:45 पर विधानसभा के इमामी गेट से ये शुरू हुआ, जो कि मध्य विधानसभा के काली मंदिर पर जाकर समाप्त हुआ। करीब 2 किलोमीटर के इस रोड शो में राहुल ट्रक पर सवार होकर जनता का अभिवादन कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे और नरेला विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज शुक्ला के पक्ष में उन्होंने अशोक गार्डन में कॉर्नर सभा की। राहुल ने कहा कि देश के 3 बड़े व्यापारियों का कारोबार पर कब्जा है। कर्नाटक में भाजपा नेता ये कह रहे थे कि हम जीतेंगे, लेकिन जवाब जनता ने दे दिया। उन्होंने कहा कि एमपी में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसमें भाजपा के सब नेता जुड़े हुए हैं। एमपी में एमबीबीएस की सीट बिकती है। प्रधानमंत्री मोदी एमपी के भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं करते। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि एमपी में लाखों लोगों को कोविड में इलाज नहीं मिला। राहुल ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार बनते ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी जाएगी। और भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि एमपी की सरकार चोरों की सरकार है, मौजूदा सरकार को जनता ने नहीं चुना है। राहुल ने कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा 500 करोड़ की बात कर रहा है, लेकिन इसकी जांच नहीं हो रही। हम ये पूछना चाहते हैं कि इस मामले में ईडी और आईटी कहां है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।